गर्मियों की खास बात मेरे को ये लगती है ना, जो फ्रूट सही रहता है ना मार्केट में, मतलब बेस्ट रहता है, मतलब सारे मस्त मस्त फ्रूट हैं। सो हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से मार्केट की साइड, और जिससे मीटिंग भी है तो उसी के रिगार्डिंग जा रहा हूँ। तो चलते हैं, और आज ब्लॉग सीधे गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का दिन। और आज मैंने बहुत टाइम बाद गाड़ी निकाली है, मतलब कार, मतलब बहुत टाइम क्या, एक हफ्ते से कार नहीं निकाली थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और देखना सामने सनलाइट कैसी है 4 बजे वाली। मतलब गर्मियों की मेरे को एक चीज़ ये सही लगती है कि दिन बड़े रहते हैं और बाकी आम खाने को मिलते हैं, ये चीज़ें सही लगती है, वरना तो बहुत गर्मी पसंद ही नहीं है मेरे को। और बस यही चीज़ है कि दिन बड़े हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा मिल जाता है घूमने का। अगर ठंड के टाइम दिन बड़े हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, मतलब मौसम तो हो ही जाता है बढ़िया एकदम घूमने लायक, और ऊपर से दिन बड़े तो मज़ा ही आ जाता। सो गाइस, फाइनली अभी हो चुके हैं मीटिंग, मतलब मैं एक भाई से बात करने आया था कुछ शूट के रिगार्डिंग, क्योंकि वो भी शूट वगैरह करता है, तो कुछ शूट से रिलेटेड ही फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बात करी है, और काफ़ी सही रही मीटिंग। तो देखते हैं रुड़की में, क्योंकि लोकली अपने बंदे फील्ड के मिलते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं एकदम से कैमरा तो घुमा नहीं सकता, एक दो बार मिल जाए फिर भाई से मिलाता हूँ। तो चलते हैं अभी घर, और मेरे को फीड भी लेनी है थोड़ा, तो वो लेके चलते हैं। गर्मियों की खास बात मेरे को ये लगती है ना, जो फ्रूट सही रहता है ना मार्केट में, मतलब बेस्ट रहता है, मतलब सारे मस्त मस्त फ्रूट हैं और ज़्यादातर मेरे फेवरेट हैं। आप बताना आपको कौन कौन से फेवरेट फ्रूट पसंद है गर्मियों में खासकर, तो कमेंट करना। सो अभी मैं आया था फीड लेने, तो सोचा अभी आ ही रखा मार्केट तो फीड ले ही लूँ, और घर वालों की लस्सी भी ले ली, इतने गर्म हो रहा है तो ठीक है, छुन्नू को पसंद है वैसे भी लस्सी, तो चलते हैं इसके बाद घर, क्योंकि बार बार चक्कर नहीं लगता ना उससे, पता नहीं क्या हो गया रुड़की में, पहले इतना जाम नहीं लगता था, बट टाइम के साथ साथ यहाँ लोगों पर गाड़ियाँ होती आ रही है, तो वो तो मार्केट खुला था वरना बाहर आने ही नहीं देते अंदर, मेन मार्केट में गाड़ी स्कूटी वगैरह अलाउड करते हैं, बस वो तो कैसे कर दिया पता नहीं। तो अभी वो आ रहे हैं कट्टे लेके, फिर चलते हैं घर। सो गाइस, फाइनली फीड आ गई, अपना स्टॉक आ गया है दो, तो अभी पूरे महीने चल जाएगा, टेंशन खत्म कि स्टॉक आउट हो गया है या कुछ हो गया है, तो आराम से एक दो महीने तो चल जाना चाहिए जिस हिसाब से हमारी फीड चल रही है, तो देखते हैं कब तक चलता है। सो गाइस, मैं आ गया था घर, और एज यूजुअल इनका देखना ये भयंकर बहुत इरीटेट करने लग गया मेरे को, पता नहीं क्यों भौंकता है ये, और इतनी जोर जोर से भौंकना लगातार, जबकि मस्त खेल रहे हैं इधर, और वो भौंकता रहता है, तो पीछे से देखना आवाज़ आ ही रही है। सो गाइस, फाइनली करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आज का व्लॉग भी शॉर्ट एंड सिंपल ही था, तो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।